वेलकम टू द न्यू शवरमा रोल्स। आज के हम लोग बनाने वाले सेट, उसके लिए आपको चाहिए होगी एक सेट, नो ऑर्डिनरी कैट। तो गाइज आज ब्रेकफास्ट में है आलू पराठा, उसके साथ है बीटरूट का रायता। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रहे हैं 10:59, ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं सुबह के। मैं ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब मैं वापस अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। कल है मेरा लास्ट एग्जाम, सो आई एम सो हैप्पी। कल इकोनॉमिक्स है, इतना भी कोई टेंशन वाला सब्जेक्ट नहीं है देखा जाए तो। हाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सो अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी और साथ में कुकीज़। और सब लोग बैठे हुए इधर, सब लोग बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, दोनों पढ़ रहा है। तो गाइज अभी मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरी तरह से हो गया है, अभी बस थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के 5 चैप्टर्स है, बट वो इतने अभी नहीं है। तो आई थिंक मेरा एक बार तो बहुत फटाफट हो रहा है, पोर्शन तो हो जाएगा अभी। आई थिंक 1:30 के अराउंड हो रहे हैं, तो आई एम श्योर लाइक 2:30-3 o'clock तक तो मेरा पूरा पोर्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद तो बस रिवीजन का काम बचेगा। तो आज खाने में है दाल, कौन सी दाल है, मसूर की दाल, और राइस, और इधर अमरूद है, और थोड़े ककड़ी। लुसैड तो इधर पड़ी हुई है, दोनों तो करके आ रहा है क्या, अंदर पहुंचा रहा है मतलब, अच्छा वैसे। और ये है चीनू मामा, और ये अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहा है। हाँ हथौड़ा नहीं मिल रहा तेरे को। उसे गुस्सा आ रहा है, मत कर काटेगी साइकिल। आर यू श्योर साइकिल चलाएंगे, मत कर मत कर मत कर, बहुत छोटे हैं। सॉली बाबू कर, ये ले। अरे वो पत्ता कितना सुंदर है, ये मेरा लुक कर। हाँ इधर देख, अली बाई। तो गाइज हादसा हो गया है एक्चुअली ना, आज पानी आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो इसलिए पापा बाहर से बिस्लरी की बॉटल्स लाए थे पीने के पानी के लिए। तो हाँ अभी वही हमको जुगाड़ कर रहे हैं। वेलकम टू द न्यू शवरमा रोल्स। आज के हम लोग बनाने वाले सेट, उसके लिए आपको चाहिए होगी एक सेट, नो ऑर्डिनरी कैट, और फिर उसके ऊपर आपको एक मैट लेना है, उसके ऊपर बिठाना है, उसे ऐसे रैप करना है, और फिर हाई आना है। फीलिंग बातें भी करती है ना देखो। अगर आप बिल्ली हो, अगर आप वेज है, तो फिर आप इसकी मम्मी के साथ भी छोड़ सकते हैं। नॉन वेज ये सच में सो गया, ऑलमोस्ट सो गया रोल बन के। अभी हम ये पान नवाबी आइसक्रीम खाने वाले, ये फ्लेवर मैंने कभी नहीं देखा है, तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर इसमें सच में सुंदर है, मतलब कलर इतना डार्क नहीं है पर सुंदर है, मुझे ए बाहर ग्रीन दिखा, आपको रेड लगी, वाह। हाँ तो पान का आउटर कवरिंग तो ग्रीन होती है ना, रेड रेड ऐसे बूंदा बूंदा है अंदर। मम्मी पान आइसक्रीम है, पान आइसक्रीम देखो तो कैसी, पान फ्लेवर की है, तो दो दो डेजर्ट पान फ्लेवर नहीं नहीं अनमोल की है। ऐसी हो रही है नानू, बढ़िया क्या है आइसक्रीम, हाँ पान फ्लेवर की है, पान खाओ। नहीं नहीं खरीदा है आइसक्रीम, इतनी चाहिए सिर्फ, हाँ हाँ क्यों? अरे मेरा सच में मन नहीं है, पेट थोड़ा भारी हो रहा है। दुन्नू को पान बिल्कुल नहीं पसंद है भाई, ये तो सच में पान का फ्लेवर जैसा, एकदम पान फ्लेवर है। उन्होंने वो लीव्स के टुकड़े भी डाले हैं पूरे अंदर, सच में असली पान जैसा है ना, ऐसे बहुत ही बढ़िया है। हाँ पत्ते पत्ते आ रहे हैं, उसको पसंद ही नहीं है ना पान। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:37 और
बाहर सब लोग सोने जा चुके हैं, पापा ऊपर बैठे हैं, शायद वो भी सो जाएंगे थोड़ी देर बाद। और मैं अपने इकोनॉमिक्स के लास्ट 3 चैप्टर्स पे हूँ, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है अभी, माइक्रो तो सुबह ही हो गया था। दुन्नू अपना हिंदी होमवर्क कर रहा है कि पूरी सोसाइटी में ही प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक कुछ तो जहाँ से पानी आता है सोर्स से उधर से ही नहीं आ पा रहा है। सो हाँ, पापा एक बड़ी सी बिस्लरी की बॉटल आए थे और अभी हम पीने का पानी हम इस चीज़ में रख के कर रहे हैं और उसमें से थोड़ा लीकेज हो रहा है, आई थिंक इधर से टपक रहा है पानी, तो इसलिए नीचे ऐसे पोछा लगाना पड़ा है ताकि कोई फिसल ना जाए। ये दिख रहा है पानी टपक रहा है इधर से, तो इसलिए इधर ये पोछा जैसा लगाना पड़ा है ताकि कोई फिसल ना जाए। सिर्फ आज के लिए है ये अरेंजमेंट क्योंकि भाई पानी नहीं है। बिड़ू क्या बन रहा है? चिकन एंड पनीर। तो आज डिनर में है चिकन एंड पनीर। चिकन अभी इधर मैरिनेट हो रहा है और ये किस चीज़ का मसाला पनीर। ये है पनीर, ये दोनों पनीर और चिकन का मसाला है। दोनों अभी एक जोक सुनाने वाला है, सुना। डॉक्टर ने पूछा मेरा वेट कितना है, मैंने कहा 75 kg विद चश्मा। डॉक्टर ने कहा कि बिना चश्मा का कितना वेट है, तो फिर मैंने कहा मुझे दिखता ही नहीं वो। अरे यार तो फालतू जो निकल तू इधर से आ तू। मुझे स्कूल ने क्या सिखाया था? कुछ नहीं। मी मुझे उसने सिखाया था हाउ टू होल्ड माय फार्ट फॉर 7 hours। इस बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 AM और मुझे कल फटाफट उठना होगा, रिवीजन करना होगा क्योंकि कुछ खास रिवीजन आज हो नहीं पाया। पोर्शन तो हो गया कंप्लीट लेकिन रिवीजन इतने अच्छे से नहीं हुआ। दो तो हंस क्यों रहा है? बट हाँ, मैं इधर ही एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मम्मा ये क्या कर रहे हो? मम्मा उधर चुपचाप कुकीज खा रही है। ओके बाय बाय। अगर वेज सेट खरीदना है तो उसमें आपको चाहिए होगा एक आलू।